आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के पत्रों के स्क्रूटनी का कार्य कलेक्ट्रेट के न्यायालयों में सकुशल हुआ संपन्न। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा 16 फरवरी को होगा नाम वापसी। तीन मार्च को जनपद में 4,126 बूथों पर होगा मतदान। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा सभी बूथों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। सोमवार को विद्यालय खुलने पर बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ विद्यालय पहुंचकर किया पढ़ाई। बच्चों में दिखा उत्साह। जिलाधिकारी ने कहा छात्रों की अधूरी पढ़ाई को पूरा कराने के लिए सभी विद्यालय को दिया गया है निर्देश। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक राघोपुर में 11 फरवरी को हुई सेधमारी कर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को चौरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का टैबलेट, 2 मोबाइल, 120 रुपए नकद किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता के शपथ ग्रहण का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न विद्यालय के छात्र व छात्राओं को मतदाता जागरूकता का दिलाया शपथ। कहा छात्रों के माध्यम से अभिभावकों को 3 मार्च के मतदान के लिए किया जा रहा है जागरूक। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के पत्रों के स्क्रूटनी पर कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया पुख्ता इंतजाम। एसपी सिटी ने कहा जनपद पुलिस के साथ पीएसी की लगाई गई है एक कंपनी। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है सबके ऊपर नजर। गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 20 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 423। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। सोमवार को कोविड के बाद विद्यालय खुलने पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की पत्नी डॉक्टर हेमलता रवि कुमार ने बनकटी चक्र प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर बच्चों में स्टेशनरी, मास्क व चॉकलेट का किया वितरण। छात्रों के खिले चेहरे। जनपद में जिला अस्पताल सहित 426 केंद्रों पर किया गया कोविड का टीकाकरण। सीएमओ ने कहा ऐसे लोग, जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है टीकाकरण, वह लोग अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण अवश्य करवाएं। 3 मार्च को होने वाले मतदान में ले भाग, करें मतदान। यूनिटी वन लाइव म्यूजिक द्वारा वैलेंटाइन डे कंप्लीटेड एक्सेप्शन पर इवेंट का किया गया आयोजन। लकी कपल विनर अमित कुमार गौड़ को एस्प्रा की तरफ से दिया गया डायमंड रिंग। पुलवामा के शहीद जवानों को भी नम आंखों से कैंडल जलाकर किया गया याद। और पुलवामा शहीद दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का जलाया पुतला। कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हमेशा जिंदाबाद रहेगा।